My name is Muhammad Ali Abbas and I am from Karachi. I am an electrical engineer specialized in electronics and I am graduated from Usman Institute of Technology. Currently, Pakistan mein WHO ki report ke mutabik 1 million se zyada autistic bachche maujood hain due to lack of trained medical and education staff. हमने इन बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक रोबोट तैयार करा है जो इनमें ऑटिज्म के मसले को काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है, इनके लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकता है और ना सिर्फ इनके पेरेंट्स की लाइफ को भी इजी कर सकता है। ये रोबोट जो है इन बच्चों से कम्युनिकेट करेगा, इनसे सोशलाइज होकर इनकी तन्हाई को दूर करेगा और इनकी लर्निंग एबिलिटीज यानी दिमागी सलाहियतों को भी इम्प्रूव करेगा जो कि इनके की इश्यूज हैं, और एक रिलेशनशिप कायम कर लेगा बच्चे के साथ और इस वजह से इन बच्चों के जो मसाइल हैं वो रिड्यूस हो जाए। इसको हम जो मार्केट में सेल आउट करेंगे तो इसको हम 2 लाख रुपए में बेच, इसको हमने जब टेस्ट कराया बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला है पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट सा डेवलप हो गया रोबोट को। अंटिल जॉब इज नॉट फिनिश, अगर हम ये फिर कॉम्पिटिशन जीत भी जाते हैं तो हमारी इस प्लान को रियलिटी में बदलने के लिए फुल हम इस मेहनत करेंगे कि इसको किस तरह से मार्केट में लेकर आना चाहिए, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ऑटिस्टिक बच्चे उनकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करा जा सके और उनके पेरेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सके हम अपने प्रोडक्ट के जरिए। मेरा जो स्टार्टअप है इन्वेंटर्स, हम जो है इसके मार्केट में मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स मौजूद है, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंशाल्लाह हमारा जो रोबोट है इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर भी सेल आउट करेंगे, इसके मल्टीपल सेंटर्स कायम करेंगे, तो हम बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को देखते हैं 5 सालों। फ्यूचर इनोवेटर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो है स्टार्टअप जो है इसमें एक बहुत पूरी एंटरप्रेन्योरशिप के जो एक लेसन होते हैं वो आप सीखें और इस तरह से उसको लेके चलें कि जो है आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें पाकिस्तान।